हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन सिक्स, और सेशन सिक्स का नाम है इंटरनेट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास टेंथ। ये यूनिट फोर का पार्ट बी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट सिक्योरिटी से लेकर कुछ चीज़ें या कुछ बातें जो कि हमें बरतनी चाहिए जब भी हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं। सो सबसे पहला जो है कॉमन इंटरनेट सिक्योरिटी पैरामीटर्स, क्या क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं इंटरनेट के, वो सबसे पहले पढ़ते हैं। दिस डेज वी कैन नॉट थिंक आवर लाइफ विदाउट द इंटरनेट, फ्रॉम इंटरटेनमेंट टू शॉपिंग टू लर्निंग टू एग्जाम एट्सेट्रा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल का जो जीवन है बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ भी काम है, वो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हम लोग यूट्यूब पर जाते हैं या कहीं नेटफ्लिक्स वगैरह पर जाते हैं, वो भी इंटरनेट से चलता है। शॉपिंग करना है तो हम लोग इंटरनेट से शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ सीखना है, पढ़ना है, तब भी हम लोग इंटरनेट से जाकर पढ़ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम भी देना है तो इंटरनेट से ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा एक तरह से एक इंटरनेट जो है हमारे एक तरह से एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का आज के दिन में। तो हमें कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि हम लोग जब इंटरनेट को चला रहे हैं, जैसे कि हमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें दूसरे के साथ कभी भी रिवील नहीं करनी चाहिए इंटरनेट पर, जब तक कि वो वेबसाइट ट्रस्टेड ना हो या कोई आपसे OTP या कुछ पासवर्ड वगैरह के लिए पूछे, तो हमें बिल्कुल मना कर देना चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हमें देखनी चाहिए, देखते हैं क्या क्या है। यू हु इज ऑपरेटिंग विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशंस, साइट ऐप विच यू आर इंटरेक्टिंग टू ऑब्टेन स्पेसिफिक सर्विस एंड हैव प्रोवाइडेड योर डिटेल्स, योर पासवर्ड, योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर इन्फॉर्मेशंस, प्रैक्टिस सेफ मेजर्स ऑनलाइन, यानी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। या कोई पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, या कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन पर हमें शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर यूज ऑफ पासवर्ड्स, किस तरह से हम लोग प्रॉपरली अपनी पासवर्ड को यूज कर सकते हैं। पासवर्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑफ प्रोटेक्शन यू ऑनलाइन, यानी जो पासवर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमें ऑनलाइन किसी भी एक्टिविटी से बचाने के लिए। यू कैन इंटर इन टू एन ऑनलाइन अकाउंट ओनली इफ़ यू नो द करेक्ट पासवर्ड फॉर ओपनिंग इट। अगर किसी भी अकाउंट को आपको ओपन करना है तो सबसे पहले आपको पास सही पासवर्ड होने चाहिए, तभी आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है हमारे काफ़ी हेल्प करता है, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उस पासवर्ड को गेस ना कर सकें। जैसे पहला है कीप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ, हमें अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ है प्रोटेक्ट योर ईमेल्स, फाइल्स एंड अदर कॉन्टेंट, हमें ईमेल्स, फाइल्स और कुछ दूसरे वीडियोज, इमेज, कॉन्टेंट है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। थर्ड है प्रिवेंट समवन फ्रॉम ब्रेकिंग इन टू योर अकाउंट, मतलब कि हमें बचना है, किसी दूसरे लोगों को अपने अकाउंट में कभी भी एंट्री नहीं करने देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वे इन विच योर पासवर्ड मे बी क्रैक्ड, यानी किस तरीके से आपका पासवर्ड को तोड़ा जाता है हम लोग सीखेंगे। कि कभी कभार देखते हैं ढेर सारे लोग कहते हैं कि मेरे सिस्टम में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि एबनॉर्मल है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा डेटा यहाँ से लीक हो गया या डिलीट हो गया। तो ये क्या होती है कि आपका जो पासवर्ड होता है वो क्रैक हो जाता है, ठीक है, दूसरे लोग क्रैक कर देते हैं, और इसके बाद से आपके सिस्टम में अनऑथोराइज एक्सेस हो जाता है, मीन्स कि दूसरे लोग घुस जाते हैं आपके सिस्टम में। तो किस तरह से होता है देखते हैं। समवन्स आउट टू गेट यू, सम पीपल डिस्परेटली ट्राइंग टू गेट एक्सेस टू योर अकाउंट माइट बी एबल टू गेट योर ईमेल्स, पासवर्ड एंड यूज पासवर्ड रिक्वायरी ऑप्शंस टू एक्सेस योर अदर अकाउंट्स। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, क्या करते हैं आपकी ईमेल पासवर्ड्स जो आप यूज करते हो उसको क्या करते हैं, वो गेस करते हैं या उसको रिकवरी करके वो आपके अकाउंट में एंट्री करने का कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है यू बिकम अ विक्टिम ऑफ द ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कभी कभार क्या होता है ब्रूट फोर्स अटैक एक क्या है, एक तरह का हैकिंग नुमा है जिसे लोग क्या करते हैं वो अटैक करते हैं इसके थ्रू और वो आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। तो इस तरह से हमें बचना है। तीसरा है देयर्स अ डेटा ब्रीच, एवरी फ्यू मंथ टू सीम्स अनदर ह्यूज कंपनी रिपोर्ट्स हैकिंग रिजल्टिंग्स इन मिलियंस ऑफ पीपल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन बींग कम्प्रोमाइज्ड, यानी आप लोग देख रहे हो कि किसी का जो डेटा होता है
ठीक है, वो कभी भी लीक हो जा रहा है। मीन्स कि कोई मतलब रैंडम पर्सन कोई आपके पास कॉल करने लग रहा है, मीन्स आप सोचते रह जाते हो कि आखिर में उस पर्सन जो है वो मेरा नंबर पर्सनल नंबर कैसे उसको मिला है। तो ये क्या है, जैसे ऐसी कंपनियां हैं जो कि वो क्या करती हैं, अब आपके डेटा को वो बेचती हैं दूसरों के पास, और वो लोग क्या करते हैं उसका मिस यूज करते हैं। चूजिंग गुड पासवर्ड, हम लोग पासवर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस तरह से अच्छे पासवर्ड चूज कर सकते हैं, तो कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, जैसे कि नो डिक्शनरी वर्ड्स प्रॉपर नाउन्स और फॉरेन वर्ड्स, हमें बिल्कुल भी कुछ डिक्शनरी वर्ड्स और प्रॉपर नाउन्स और फॉरेन वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं यूज करना। जैसे कि हमें अल्फाबेटिकल बिल्कुल भी नहीं यूज करने हैं, थोड़ा अल्फाबेटिकल यूज करो, न्यूमेरिकल यूज करो और स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करो। मीन्स कि आपका जो पासवर्ड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनना चाहिए, उसमें अल्फाबेट भी रहना चाहिए, नंबर भी रहना चाहिए और स्पेशल कुछ कैरेक्टर रहना चाहिए, जैसे कि आई डी रेट हो गया, परसेंट हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहना चाहिए ताकि आप का जो पासवर्ड है कोई गेस ना कर सके। दूसरी बात है नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी भी दूसरे से के साथ शेयर नहीं करना है। यूज लॉन्गर पासवर्ड, हमें हमेशा लंबे पासवर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ 8 डिजिट का 8 डिजिट का हम लोग पासवर्ड क्या करते हैं कभी कभार बना देते हैं, तो दूसरे लोग क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको गेस कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं और आपके अकाउंट में घुस जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूज पास फ्रेजेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। इसके बाद से आप क्या करो, पासवर्ड को याद करने की क्षमता रखो, मीन्स आप इतना डिफिकल्ट पासवर्ड लगा दो कि हाँ सिर्फ आपको ही याद रहे, दूसरा कोई ना याद रख पाए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पासवर्ड लिखा हो गया है कुछ ऐसे, my$ETE, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क डबल यूनिट कॉमा, मतलब इस तरह से कुछ मिक्स है। तो ये जो पासवर्ड है बेसिकली कोई भी गेस नहीं कर सकता है, ठीक है। डू नॉट रिपीट पासवर्ड इन डिफरेंट वेबसाइट, यानी जो आपके पास पासवर्ड है उसको डिफरेंट वेबसाइट पर आप रिपीट ना करो, बार बार उसको एंट्री ना करो, क्योंकि जो होता है उसमें सेव हो जाता है डेटा में, डेटाबेस में आपका जो पासवर्ड है वो सेव हो जाएगा, तो आसानी से आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज्ड यूजर गेट एक्सेस टू सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टेड डेटा। यानी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या करता है, हमें इंश्योर करता है कि हमारे जो डेटा है, ठीक है, या कुछ है वो ऑथराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा रैंडम पर्सन उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। जो हमारी डेटा रहती है वो प्रोटेक्टेड रहती है इसके थ्रू। प्रैक्टिस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस तरह से हमें प्रैक्टिस करते हैं कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन से वो श्योर रहे या अच्छे रहे, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, दिज आर ऑल द इनवाइटेबल, यू कैन नॉट अवॉइड दिस आर द मॉडर्न टूल्स, को मॉडर्न एज टूल, बट यू श्योरली कैन फॉलो सर्टेन प्रैक्टिसेस टू सेफ गार्ड योर डेटा। इंश्योर क्या करना चाहिए हमें, पहली बात है यूज फायरवॉल वेर इवर पॉसिबल। फायरवॉल क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि अनऑथोराइज एक्सेस को रोकता है, ठीक है। दूसरी है कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग, यानी हमें ब्राउजर को सेटिंग करना है जो कि कोई भी ट्रैक कर रहा है हमें उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। ब्राउज प्राइवेटली वेयर इवर पॉसिबल, यानी जब भी हम लोग इंटरनेट को चला रहे हैं तो हमें प्राइवेटली चलाना चाहिए। फोर्थ है बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट, हमें केयरफुल रहना है कुछ भी चीज़ हम लोग पोस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पर। इंश्योर सेफ साइट्स व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, यानी आपको इंश्योर करना है कि जिस भी वेबसाइट पे आप अपना पासवर्ड या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो क्या वो वेबसाइट जेन्यून है, मीन्स कि वो जो वेबसाइट है वो रियल है या फेक है, ये आपको क्या करना है, पता लगाना। आप कैसे पता लगा सकते हो, तो उसके लिए कुछ साइन है, जैसे कि आपका जो वेबसाइट है वो कहाँ से शुरू होगा, HTTPS से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप वो जो वेबसाइट वो जेन्यून है। नेक्स्ट है केयरफुली हैंडल ईमेल्स, जो ईमेल्स वगैरह आते हैं उसको केयरफुली हैंडल करना है, कोई लिंक वगैरह है उस पर बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है, ठीक है। 7 है डू नॉट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क का मतलब है कि अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्ट हैं, हॉटस्पॉट से कनेक्ट हैं, तो आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करना है, ना ही देना है। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर, जो पब्लिक कंप्यूटर हर एक कोई यूज करता है तो आपको बिल्कुल भी वो यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, आपको जो डेटा है वो मिसयूज भी हो सकती है। सेफ्टी मेजर्स ऑनलाइन, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि हम ऑनलाइन बरत सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया गया मेजर, स्कैन ऑल योर सिस्टम फॉर एविडेंस ऑफ द वायरस, मतलब कि हमें हमेशा अपने सिस्टम में क्या रखने हैं,
एंटीवायरसेस रखने हैं और हमें हमेशा स्कैन करते रहना है हमारे सिस्टम को। सेकंड है डिसकनेक्ट एनी इन्फेक्टेड सिस्टम इमीडिएटली फ्रॉम योर नेटवर्क। कोई इन्फेक्टेड सिस्टम है मीन्स कि वो हैंग कर रहा है या इधर उधर ऑटोमेटिकली उसमें एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसको डिसकनेक्ट कर दो तुरंत। थर्ड है रिस्टोर द इन्फेक्टेड सिस्टम फ्रॉम ए क्लीन बैकअप। यानी जो भी इन्फेक्टेड सिस्टम है उसको क्या करो, स्कैन करो, उसके जो वायरसेस हैं कुछ भी हैं उसको स्कैन करके उसको रिमूव करके तब आप दोबारा उसको कनेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट है नोटिफाई योर एंटीवायरस वेंडर सो इट कैन इंश्योर इट्स सिग्नेचर डेटाबेस इज अप टू डेट। क्या करना है आपको, जो एंटीवायरस आपको क्या करना है, आपको एंटीवायरस वेंडर्स हैं जो उनको इंश्योर करना है कि आपका जो डेटाबेस है वो अप टू डेट रहे। डाउनलोड अपडेट्स रेगुलरली, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है तो आप उसको क्या करो, अपडेट हमेशा करते रहो। नेक्स्ट रन फ्रीक्वेंटली फुल सिस्टम स्कैन्स, हमेशा हमें फुल सिस्टम स्कैन्स रन करना चाहिए हमेशा हर एक हफ्ते में। प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या बचने के उपाय हैं, कीप योर सिस्टम अप टू डेट, हमें अप टू डेट अपने सिस्टम पर रखना है। यूज कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स और इंटरनेट, हमें सावधान रहना है जब भी हम लोग कोई भी फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं। डिसेबल कुकीज इफ पॉसिबल, अगर आपके पास आता है एक मैसेज कि आप डू यू वांट टू इनेबल द कुकीज, ओके आएगा कैंसिल आएगा, तो हमें कैंसिल पर हमेशा क्लिक करना चाहिए। जिससे क्या होता है, कुकीज में क्या होता है, जो आपका डेटा है जो भी आप सर्फ कर रहे हो इंटरनेट पर वो सारी डेटा उसमें सेव हो जाती है कुकीज में, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस चैप्टर का जो अगर हम बात करें यहाँ पर, विच ऑफ दिस इज क्लास्ड एज ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इन चारों में से कौन से पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आती है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, या ऑनलाइन निकनेम या लॉजिस्ट स्पीक, तो डेट ऑफ बर्थ जो है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। विच सॉफ्टवेयर कैन यूज टू अवॉइड गेटिंग वायरसेस, कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं जो वायरस को बचने के लिए, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू शुड कीप सेम पासवर्ड फॉर ऑल योर ऑनलाइन अकाउंट्स, नहीं, फॉल्स। यू शुड प्रीफर प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, यस यस, ठीक है, हमें प्राइवेट ब्राउजिंग मोड हमेशा ऑन करना चाहिए। यहाँ पे इस चैप्टर का जो हम बोल सकते हैं सोल्यूशन है, देख सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।